Hello, welcome once again in Shastri Tutorials. CBSE First Term Exams Pass Criteria. यानी कि क्या पास क्राइटेरिया होगा क्लास 10th और 12th के CBSE एग्जाम का, चलो देखते हैं और समझते हैं इसको. तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, मार्क्स होंगे या ग्रेड्स मिलेंगे और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल हमारे मन में दौड़ रहे हैं. अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल दौड़ रहे होंगे कि भाई पेपर तो हम दे रहे हैं पर उसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, मार्क्स मिलेंगे या ग्रेड्स मिलेंगे रिजल्ट में, और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इन टर्म्स के बाद या सेकंड टर्म के बाद. चलिए सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं वन बाय वन, एक एक करके इत्मीनान से. क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो क्लास टेंथ है उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया होगा बेटा उसमें बड़ा थोड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल ट्वेल्थ में है, थोड़ा आसान टेंथ में. वो कैसे? क्योंकि टेंथ की पासिंग क्राइटेरिया जो बनेगा बेटा आपका वो बनेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिला के आपको 33% चाहिए. थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिला के कितने चाहिए, 33. यानी कि अगर आपका थ्योरी का पेपर 50 मार्क्स का कहेंगे तो 40 मार्क्स का आपका थ्योरी हो गया और 10 मार्क्स का आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल. क्लियर है? तो दोनों को मिला के यानी 50 में से 33% मार्क्स लाने आपने दोनों को मिलाकर. पर इसके उल्टे अगर हम देखें क्लास 12th का तो उसका पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा टफ है. क्यों? थ्योरी में अलग 33% लाने और प्रैक्टिकल में अलग 33% लाने, यानी दोनों में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में, दोनों में अलग अलग पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर है? यस. जैसा आपका कल पेपर है 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है बेटा वो 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. पर जो कल आपका जो पेपर होगा वो होगा थ्योरी का 35 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल होगा बेटा 15 मार्क्स का. तो 35 में अलग से आपको 33% लाने हैं, अलग से 33% लाने हैं. तो कितना होगा 35 का 33%, ये हो जाएगा सर आपका कम से कम 12 मार्क्स लाने आपको. ठीक है? और 15 में से 33% यानी कि आपको कम से कम 5 मार्क्स लाने. ठीक है? तो यानी दोनों में अलग अलग पास होना है. क्लियर है? आगे देखते हैं. अब सवाल ये उठता है जो हम MCQ पेपर दे रहे हैं तो टोटल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट मल्टीप्लाई बाय मार्क्स पर क्वेश्चन. चलो ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ कैसे होगा कि MCQs में कैसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है? ये क्राइटेरिया चार्ट दे रखा है, चार्ट में अभी आपको समझ नहीं आएगा पर मैं अभी बड़े बारीकी से समझाऊंगा आपको पूरा चार्ट. ठीक है? जैसे हमारा जो मैथमेटिक्स और हिंदी और संस्कृत का पेपर है, मैथमेटिक्स हिंदी और संस्कृत का पेपर जो होगा उसमें 40 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स है. तो यानी कि 40 × 1 कितना हो गया, 40 मार्क्स. यही चीज़ आगे कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए टोटल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट मल्टीप्लाई बाय द मार्क्स पर क्वेश्चन, यही चीज़ है वो. क्लियर है? क्लियर है? चलो. यानी कि जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया देख ले, 40 में से 50, तो यानी कि आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से. तो यानी कि जो मैथमेटिक्स और हिंदी और संस्कृत के पेपर होंगे इनमें आपके हर एक MCQ का एक मार्क्स होगा. पर ये सभी में नहीं है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें हर एक MCQ 1 मार्क्स का नहीं है, ये अलग अलग है. क्लियर है? हर एक MCQ 1 मार्क्स का नहीं होगा. कैसे होगा देखिए, तो जिन क्वेश्चन पेपर में आपको 50 क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से आपने मैक्सिमम यानी 40 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, यानी आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेंड 40 क्वेश्चंस, तो उन 40 क्वेश्चंस में जो पर क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी हर एक क्वेश्चन 0.80 का होगा. हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 0.80 का होगा. ठीक है? सपोज करो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही हुए आपके, 10 हुए, भगवान न करे ऐसा हो ज़्यादा हो, 10 अगर सही हुए तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. क्लियर है? और जिन क्वेश्चंस पेपर में आपको 45 क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन 45 में से आपने 40 करने, तो उनका जो पर क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 0.88. क्लियर है? कितना होगा, 0.88 हो जाएगा आपका उनका मार्किंग. क्लियर? आगे देखते हैं. फिर जिन क्वेश्चन पेपर में आपको कितना दे रखा है बेटा, 50 क्वेश्चन में से 35 अटेम्प्ट करने या 45 क्वेश्चंस में से आपने 35 अटेम्प्ट करने, तो उसमें कैसा होगा, 0.70
जो आपके कल के पेपर में होना है। कल का पेपर क्या आपका बेटा? आपका कल का पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। आपका पेपर है कल फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन में बच्चे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50 क्वेश्चंस। उन 50 में से आपने 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यानी हर एक क्वेश्चन की मार्किंग कितनी होगी? 0.70 की। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 0.70 का होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर हम। तो यस, ऐसी आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, तो 25 का होगा उसमें, यानी कितना होगा मार्किंग? 0.625 और 6 की। क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आउट ऑफ 40 25 करने हैं तो कितने पर क्वेश्चन का मार्क्स होगा, और 25 में से 15 करने हैं तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि कहता है, इफ़ द टोटल स्कोर बाय द कैंडिडेट इन अ फ्रैक्शन देन द सेम विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए, मान के चलते हैं कि भाई किसी स्टूडेंट के 16.1 मार्क्स आए। कितने आए? 16.1 मार्क्स। तो मैथ्स के स्टूडेंट को अच्छे से पता है, क्या 10th तक तो मैथ सबने करनी है और करते हैं, तो पता है 16.1 का जो राउंड होता है वो 16 माना जाता है, क्योंकि 16 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 16.5 से ऊपर अगर आता है तब उसको 17 लेते हैं। अगर 16.4 या 16.3 या 16.2 वगैरह आता है तो उसको हम राउंड कितना मानते हैं? 16 मानते हैं। पर CBSE ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, अगर बच्चे के 16.1 भी आ रखें टोटल मार्क्स, तो हम उसको राउंड कितना करेंगे? 17 कर देंगे। यानी यहाँ पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो फिर भी आपको एडवांटेज मिल जाएगी, यानी दो गलत पे एक सही हो जाएगा आपका। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरी मजे वाली बात क्या है कि CBSE ने क्या साफ क्या रखा है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका एडवांटेज लें बेटा। अनअटेम्प्टेड को छोड़कर सब अटेम्प्ट करें, अनअटेम्प्टेड को छोड़कर सब अटेम्प्ट करें। अनअटेम्प्टेड का मतलब मैं समझा दूं आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी समझा रखा है कि अगर 24 में से 20 करने हैं तो बेटा 1 to 24 कम से कम 4 क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं, फिर 20 कोई सॉलिड क्वेश्चन करिएगा। क्लियर है? ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाएं, 24 को 24 ना करके आ जाए, नहीं तो लास्ट के 4 काट दिए जाएंगे चाहे वो सही क्यों ना हो। क्लियर है? अब आता है भाई कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, तो मैं पहले बता दूं टर्म वन के एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट को ना हम पास कहेंगे, ना कंपार्टमेंट, और ना ही कोई असेंशियल रिपीटेड कैटेगरी में डालेंगे। टर्म वन के एग्जाम के तुरंत बाद कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा कि बच्चा पास अंडर पास कैटेगरी में आ रहा है, कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ रहा है, या रिपीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। क्लियर बता दूं मैं आपको? क्लियर है? फिर आता है फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनल रिजल्ट बेटा जो बनेगा हमारा, वो डिक्लेयर होगा कब? सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद, जो कब होगा हमारा? मार्च में। क्लियर है? उसी में हमारा डिक्लेयर होगा, मार्च अप्रैल में जो हमारे एग्जाम होंगे उसके बाद ही, यानी सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद ही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में अच्छे से आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है तो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो क्वेरी होगी मैं विद इन 24 आवर्स उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस। टेक केयर।